न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश की अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद में स्कूलों को खोले जाने को लेकर की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बड़हलगंज पुलिस ने शातिर जालसाज राहुल पांडे को किया गिरफ्तार। जालसाज के पास से मोबाइल सिम समेत बाइक किया गया बरामद। एसपी साउथ ने कहा, खुद को फर्जी अधिकारी बनाकर शातिर जालसाज रॉब दिखाकर करता था ठगी। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक। विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ कोरोना का सैंपल लेते समय विशेष सावधानी बरतने के दिए निर्देश। कोरोना के पॉजिटिव मरीज केवल सरकारी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में ही करा सकते हैं अपना इलाज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, कोविड के मरीजों के इलाज के लिए किसी भी प्राइवेट अस्पतालों को नहीं दी गई है अनुमति। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंडल स्तरीय कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक। कोविड 19 अधिनियम के पालन कराने के साथ अपराध पर अंकुश लगाने के दिए गए निर्देश। डीआईजी रेंज की अध्यक्षता में संपन्न हुई रेंज के सभी पुलिस कप्तानों की बैठक। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश। पिपरौली ब्लॉक के तहत आने वाले भवापार गांव के कालाजार की रोकथाम के लिए कीटनाशक का कराया जा रहा है छिड़काव। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल कर सावधानी के साथ करेंगे छिड़काव। साइबर क्राइम के शिकार पीड़ितों के लिए खुला साइबर थाना। रेंज में 1 लाख से ऊपर के साइबर क्राइम की होगी सुनवाई। गोरखपुर जिले में एनेस्थीसिया के डॉक्टर की पत्नी और बच्चे सहित मिले 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 182। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। लॉकडाउन के दौरान फीस माफी और अगली कक्षा में निशुल्क प्रवेश की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी ने पोस्टकार्ड के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किया ज्ञापन। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारत की ओर परंपरा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ विषय पर समायोजित ऑनलाइन साप्ताहिक योग शिविर के दूसरे दिन योग शिक्षकों ने विभिन्न योगासनों का कराया अभ्यास। और सोमवार की देर रात मानसून ने दी दस्तक। झमाझम बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जल भराव से जूझते आए लोग, लेकिन किसानों के लिए अमृत समान रहा बारिश। धान की फसल के लिए उपयोगी हुआ साबित।